हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल 35A के बारे में। ये जो आर्टिकल 35A है, ये बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है फ्रेंड्स। रीज़न ये है इसका कि देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ डील करता है। आर्टिकल 370 के बारे में मैं ऑलरेडी इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल 370 क्या था, किन कंडीशंस में आया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है उसका, उसके क्या करंट पोजीशन है, और साथ ही साथ आर्टिकल 35A को जानना ज़रूरी है ये कि ये है क्या और इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। तो इस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आया हूँ हर्ष द्विवेदी फ्रेंड्स। चलिए इस चीज़ को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है ना, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेक्स्ट मैं यहाँ आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, मैं बस इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको सिंपल वर्ड्स में, ताकि चीज़ आपको अच्छे से कम भाषा में समझ में आ जाए क्लियरली। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, वो जो पूरा टेक्स्ट लिखा था, जो कुछ भी आर्टिकल 35 है, उसका सार क्या है। उसका सार ये है कि आर्टिकल 35 है, ये बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके पास ये पूरी पावर है। पूरी पावर का मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी केवल उसके पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन हैं। और जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे पब्लिक सेक्टर में, और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे ताकि उनको पब्लिक सेक्टर में जॉब्स मिल सकें, स्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने का उनको राइट मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके, पब्लिक एड मिल सके, जो दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो मिल सकें। और ये बोला गया, सबसे खास बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 35A के अंदर अगर कोई लॉ बनाएगा तो उस लॉ को इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा, केवल इसलिए कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है या फिर किसी और इंडियन लॉ को वॉयलेट कर रहा है। ये खास बात है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आर्टिकल 35A का जो बेस है, जो मेन चीज़ है, वो यही है कि इसको इस बेसिस पे इनवैलिड करार नहीं किया जाएगा कि ये किसी और लॉ को वॉयलेट कर रहा है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है फ्रेंड्स। और इसने ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दिए स्टेट लेजिस्लेचर को, जिसके दम पे स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है, और उन्हीं परमानेंट रेजिडेंट्स के पास प्रॉपर्टी खरीदने की ताकत है, स्कॉलरशिप लेने की ताकत है, और भी बहुत सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वेलफेयर के वो ने फायदे फाने की ताकत है। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स, बाहर वाले लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं, जिनको परमानेंट रेजिडेंट्स बोला है, केवल उनको मिलेंगी। अब देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 आया था, इसको इशू किसने किया था, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 370 के अंदर किया था। और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, ऑब्वियस बात है हमारे नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। और इसको 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद इसको इनैक्ट किया गया था। और ये एग्रीमेंट हुआ किसके किसके बीच में था, नेहरू जी के बीच में, और उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, उनके बीच में हुए थे। और ये बोला गया था कि भाई इंडिया की जो सिटीजनशिप है ना, वो इन जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को दी जाएगी, ठीक है ना। अब ये पहली बात तो ये बोला गया है 1954 के ऑर्डर के थ्रू कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसी जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर जो 1954 है, जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद जी और जो कि उस समय में प्रेसिडेंट थे उनके बीच में, और आपके ये जो जम्मू एंड कश्मीर के जो आपके शेख अब्दुल्ला थे उनके बीच में जो एग्रीमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में हुआ था, लेकिन ये एप्लीकेशन ऑर्डर तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट इशू करेगा। तो इसके अंदर ही ये आर्टिकल 35A आया था। और सबसे खास बात ये है फ्रेंड्स कि इस पे इशू सबसे बड़ा ये है कि आर्टिकल 35A को आप लेके आए किसके थ्रू, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के थ्रू, तो ये एक डायरेक्ट ऑर्डर के थ्रू आया। और उस ऑर्डर को ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ने इशू किया था, और प्रेसिडेंट ने किसकी मदद से इशू किया होगा, ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटिव के रिकमेंडेशन भी किया होगा। तो इस ऑर्डर को लाने के लिए पार्लियामेंट में कोई भी बहस नहीं हुई, ये ऑर्डर सिर्फ एग्जीक्यूटिव के कहने पे आ गया है, पार्लियामेंट में इस बात पे कोई भी बहस नहीं हुई, कोई भी इसमें राय नहीं ली गई, सीधे सीधे इसको अप्लाई कर दिया गया। तो यही बात है फ्रेंड्स कि जब इतना बड़ा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस बात है आपको इसके लिए अमेंडमेंट करना चाहिए ना। अगर आप आर्टिकल 35A जैसी चीज़ को लेके आ रहे हैं जो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारे प्रिविलेजेस देते हैं, ठीक है ना, ऑब्वियस बात है इस तरीके की प्रिविलेजेस बाकी स्टेट्स को मिलने लगेंगे तो हम लोग किसी और स्टेट में जाके रह ही नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूपी से महाराष्ट्र में आके जॉब कर रहा हूँ और महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये पास कर देती है कि भैया बाहर का कोई भी आदमी यहाँ पे आके पब्लिक जॉब नहीं कर सकता, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो मेरे जैसे तो कोई भी नहीं आ पाएगा।
और ये सिर्फ यूपी महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही, कहीं की भी बात हो रही, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को ये ताकत मिली, और ये ताकत बिना किसी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट के मिली, सीधे सीधे एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू मिल गई। तो इस बात पर बहुत विवाद रहा है जब से ये आया है, ठीक है ना। और आर्टिकल 35A जो भी अभी प्रेजेंट है ना, उसमें एक रीजन से और प्रेजेंट है कि कुछ आर्टिकल 370 है, क्लॉज है, सब क्लॉज डी में जो कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं उसकी वजह से आर्टिकल 35A को वैलिड माना जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में आर्टिकल 370 को हटाया जाता है या उसको अमेंड किया जाता है तो आर्टिकल 35A अपने, अगर हटाते हैं 370 को अबॉलिश करते हैं तो आर्टिकल 35A तो अपने आप ही चला जाएगा, और अगर आर्टिकल 370 को अमेंड करते हैं तो उस अमेंडमेंट पर डिपेंड करेगा कि आर्टिकल 35A पे कितना फर्क आएगा। तो सबसे खास बात यह है कि आर्टिकल 35A अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं आया है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन ऑर्डर के थ्रू आ गया है, जिसपे जिस बात को लेकर काफी बहस है, काफी चर्चा का मुद्दा रहा है बहुत सालों से, डेकेड से रहा है, ये आज की बात नहीं है, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आर्टिकल 35A ये कश्मीरीज के लिए अच्छा क्यों है और जो बाहर से लोग जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं उनके लिए बुरा क्यों है। खास बात जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई आर्टिकल जुड़ता है या हटाया जाता है तो उसके लिए आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करना पड़ता है, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, सीधे सीधे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो गया। दूसरी बात, आर्टिकल 35A के अंदर जो जो चीज़ें लाई जा रही है ना, दे आर इन डायरेक्ट वायोलेशन टू आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई लॉ के सामने बराबर है, लेकिन यहाँ तो भैया स्टेट सब्जेक्ट्स को सीधे सीधे प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं और बाहर के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो जो बाहर के लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में पहुंच जाते हैं नेटिव्स के रिस्पेक्ट में, जो कि वहाँ के लोकल सब्जेक्ट्स हैं। उसके आगे जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो उस स्टेट में जाके अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी ओनरशिप के रिस्ट्रिक्शंस हैं और वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और इस वजह से प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर और प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है स्टेट में, जिसकी वजह से गरीबी अभी भी वो हुई है, मतलब वहीं पे गरीबी अभी भी वहाँ पे प्रेवलेंट है, और ऑब्वियसली बात है ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट डीले हो रहा है, और जैसी चीज़ें वहाँ पे है वैसी ही चल रही हैं, एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, फैनेटिसिज्म फैल रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो स्टेटस क्यों मेंटेन हो रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिजनेस के लिए लोग वहाँ जा नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इस आर्टिकल 35 की वजह से। उसके बाद कि भाई मुस्लिम वुमेन के राइट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेटिंग है, अगर ठीक है ना एक मुस्लिम वुमेन स्टेट के बाहर जाके अपने पसंद के किसी आदमी के साथ शादी करती है तो उसके उससे उसके सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, इनहेरिटेंस के राइट, यानी उसके पिताजी की दौलत में उसे जो कुछ भी मिलना था, अपने घर की खानदान की दौलत में जो कुछ भी मिलना तो उसे नहीं मिलेगा, और उसके जो बच्चे होंगे उनको स्टेट का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो ये मुस्लिम वुमेन की तरफ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, वहीं पर अगर कोई मुस्लिम मैन जाके करता है तो उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक मुस्लिम वुमेन को नहीं मिलेगा। तो ये वुमेन के खिलाफ बिल्कुल सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेटरी है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पे है, जॉब में भी है, एजुकेशन में भी है, ठीक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया है ये, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के मुद्दे के चलते आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जा पा रहा है, और आर्टिकल 370 की वजह से 370 आर्टिकल 35 से इन सबको जम्मू एंड कश्मीर की एग्जिस्टेंस का एक बेस मान लिया गया है, और इनको हटाने को कोई पार्टी तैयार ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि कॉलिशन पॉलिटिक्स का जमाना है, जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके, ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है सेंट्रल पार्टी को, तो कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चल रहा है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सालों से होती जा रही हैं, ठीक है। इसको हटाने की ज़रूरत है, लेकिन अब लग तो नहीं रहा है कि जल्दी ही फ्यूचर में कुछ होने वाला है, क्योंकि भाई इतनी मेजोरिटी से बीजेपी आई थी और जब वही कुछ नहीं कर पाई तो आगे क्या होने वाला है, पता नहीं कोई सरकार इतनी मेजोरिटी में दोबारा आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी और कुछ कर पाएगी, इस बात पर बहुत डाउट है। तो देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। तो फिलहाल ये था आर्टिकल 35 से, आर्टिकल 370 भी बता दिया फ्रेंड्स मैंने आपको, आर्टिकल 35A भी बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने से रियली में आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। और प्लीज़ बाकी जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस तरीके की वीडियोस की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, उनके साथ भी हो सके तो आप इन वीडियोस को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।